किसी भी पुराने दर्द से निपटने की विधि की तैयारी करते समय ये सीखना महत्वपूर्ण है कि शरीर को आराम देने के लिए फोकस और गहरी सांस लेने की तकनीकों का उपयोग कैसे करें। आराम करना सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, विशेषकर दर्द के समय। पूरे शरीर में मांसपेशियों के तनाव को दूर करने और दर्द से ध्यान हटाने में सक्षम होना फायदेमंद है। पुराने दर्द से निपटने की तकनीक नियंत्रित गहरी सांस लेने से शुरू होती है। एक अंधेरे कमरे में खुद को आरामदायक स्थिति में स्थापित करना और या तो दोनों आंखें बंद करना या एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। सांस को धीमा करना और छाती का उपयोग करते हुए पेट का नहीं गहरी सांस लेना। यदि ध्यान भटक जाए तो श्वास को नियंत्रित करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद के लिए आराम करें, जैसे शब्द के बारे में सोचना सहायक हो सकता है। ये प्रक्रिया सांस लेते समय रे और सांस छोड़ते समय ढीला शब्दांश को दोहराकर की जा सकती है। लगभग 2 से 3 मिनट तक नियंत्रित श्वास जारी रखें। विश्राम और फोकस प्राप्त होने के बाद इमेजरी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। दर्द प्रबंधन के लिए प्रभावी 11 विशिष्ट इमेजरी और क्रोनिक दर्द नियंत्रण तकनीकों में शामिल है परिवर्तित फोकस, पृथक्करण, संवेदी विभाजन, मानसिक संज्ञाहरण, मानसिक एनाल्जिजिया, स्थानांतरण, आयु प्रगति और प्रतिगमन, प्रतीकात्मक इमेजरी, सकारात्मक इमेजरी, गिनती और दर्द आंदोलन। परिवर्तित फोकस ये प्रदर्शित करने की एक पसंदीदा तकनीक है कि मन शरीर में संवेदनाओं को कितनी शक्ति से बदल सकता है। परिवर्तित फोकस में शरीर के एक विशिष्ट गैर दर्दनाक हिस्से हाथ पैर आदि पर ध्यान केंद्रित करना और शरीर के उस हिस्से में संवेदना को बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए हाथ गर्म होने की कल्पना करना। ये प्रक्रिया दिमाग को दर्द के स्रोत जैसे कि पीठ या गर्दन पर ध्यान केंद्रित करने से दूर ले जाती है। पृथक्करण जैसा कि नाम से पता चलता है, इस पुरानी दर्द तकनीक में शरीर के दर्द वाले हिस्से को मानसिक रूप से शरीर के बाकी हिस्सों से अलग करना या शरीर और दिमाग को अलग अलग कल्पना करना शामिल है, जिससे पुराना दर्द व्यक्ति के दिमाग से दूर हो जाता है। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि कमर का दर्द भरे निचले हिस्से को कमरे में एक कुर्सी पर बैठा है और उसे दिमाग से बहुत दूर वहीं बैठे रहने के लिए कह रहा है। संवेदी विभाजन इस तकनीक में दर्दनाक संवेदना दर्द जलन चुभन और चुभन को अलग अलग भागों में विभाजित करना शामिल है। उदाहरण के लिए यदि पैर दर्द या पीठ दर्द में गर्मी महसूस होती है तो गर्मी की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है न कि दर्द पर। मानसिक संज्ञाहरण इस विधि में दर्द वाले क्षेत्र में सुन्न करने वाली संवेदनाहारी जैसे नोवोकेन के इंजेक्शन की कल्पना करना शामिल है। उदाहरण के लिए पीठ के निचले हिस्से में सुन्न करने वाले घोल का इंजेक्शन लगाने की कल्पना करना। इसी तरह दर्द वाले स्थान पर सुखदायक और ठंडा आइस पैक रखने की कल्पना करने से दर्द की अनुभूति को कम करने में मदद मिल सकती है। मानसिक वेदना मानसिक संज्ञाहरण अवधारणा पर आधारित इस तकनीक में दर्द वाले क्षेत्र में मॉर्फिन जैसे एक मजबूत दर्द निवारक एजेंट के इंजेक्शन की कल्पना करना शामिल है। एक वैकल्पिक विधि यह कल्पना करना है कि मस्तिष्क भारी मात्रा में एंडोर्फिन शरीर का प्राकृतिक दर्द निवारक पदार्थ उत्पन्न करता है और इसे दर्द वाले क्षेत्रों में प्रवाहित करता है। स्थानांतरण करना बिना दर्द वाले हाथ में गर्मी सर्दी या संवेदनाहारी जैसी परिवर्तित संवेदनाएं उत्पन्न करने के लिए दिमाग का उपयोग करना और फिर दर्द वाले स्थान पर हाथ रखना। फिर इस सुखद परिवर्तित अनुभूति को दर्दनाक क्षेत्र में स्थानांतरित करने की कल्पना की जाती है। आयु प्रगति और प्रतिगमन अपने आप को दर्द मुक्त स्थिति में आगे या पीछे लाने या बहुत कम दर्द का अनुभव करने के लिए मन की आंख का उपयोग करना। फिर अपने आप को ऐसे कार्य करने का निर्देश देना जैसे कि यह छवि सत्य हो। प्रतीकात्मक चित्रण
एक ऐसे प्रतीक की कल्पना करना जो पुराने दर्द का प्रतिनिधित्व करता हो, जैसे तेज परेशान करने वाला शोर या दर्दनाक चमकीला प्रकाश बल्ब। धीरे धीरे इस प्रतीक के परेशान करने वाले गुणों को कम करना, उदाहरण के लिए प्रकाश को कम करना या शोर की मात्रा को कम करना, जिससे दर्द कम हो जाएगा। सकारात्मक कल्पना। अपना ध्यान किसी रमणीय स्थान जैसे समुद्र तट, पहाड़ आदि पर केंद्रित करें, जहां एक लापरवाह, सुरक्षित और आरामदायक स्थिति प्राप्त की जा सके। गिनती। दर्दनाक घटनाओं से निपटने के लिए साइलेंट काउंटिंग एक अच्छा तरीका है। गिनती में सांसों की संख्या, ध्वनिक छत में छेद, फर्श की टाइलें या बस मानसिक छवियों को बनाना और उन्हें गिनना शामिल हो सकता है। दर्द की हरकत। पुराने पीठ दर्द को आपके शरीर के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना, जहां दर्द से निपटना आसान होता है। उदाहरण के लिए पुराने पीठ दर्द या गर्दन के दर्द को मानसिक रूप से हाथ में ले जाना या यहां तक कि हाथ से बाहर हवा में ले जाना। इनमें से कुछ तकनीकों को शायद किसी पेशेवर की मदद से सबसे अच्छा सीखा जाता है, और पुराने दर्द को कम करने में इन तरीकों को प्रभावी बनाने के लिए आमतौर पर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अक्सर सप्ताह में 3 बार लगभग 30 मिनट तक दर्द निवारण रणनीतियों पर काम करने की सलाह दी जाती है। अभ्यास से आराम और पुराने दर्द पर नियंत्रण मजबूत हो सकता है और लंबे समय तक बना रह सकता है। इन तकनीकों को सीखने के बाद केवल कुछ गहरी सांसों से पुराने दर्द से राहत और आराम प्राप्त किया जा सकता है। इन तकनीकों का उपयोग किसी भी गतिविधि में संलग्न होने, काम करने, बात करने आदि के दौरान किया जा सकता है। पर्याप्त अनुभव के साथ पुराने दर्द और जीवन पर इसके प्रभावों पर नियंत्रण की बेहतर भावना महसूस की जा सकती है।